तो आज की वीडियो जो होने वाली है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप बस उसके बाद अपने बालों को कॉम करो और दोनों हाथों से बालों को रब करो और देखो कि आपकी जो लेंथ आपने जो की है उससे आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। मेरी तो फ्रंट लुक बिल्कुल परफेक्ट लगी है, आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसी लग रही है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दी लेंथ 7th ऑन आर साइड ऑफ बियर्ड। विल ट्राई टू ब्लेंड इट विद माई साइड हेयर लाइन जिससे मैं शार्पनेस और क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा दिखे। आपको ट्रिमर को इसी तरीके से होल्ड करना है अपनी बियर्ड के साइड्स पे और अपने हेयर लाइन की साइड्स को इससे ब्लेंड करना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी बियर्ड के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हो कि बियर्ड को किस तरीके से ट्रिम करते हैं और ट्रिमर को पकड़ने का सही तरीका क्या है तो वो मेरी देख लेना। मैं फिर भी आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगा। सिंस बैक पार्ट को करना इतना आसान नहीं होता तो आप उसके लिए किसी की भी हेल्प ले सकते हो, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी की भी। आई एम श्योर वो इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। आप बीच बीच में उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको ऊपर तक कितना कट करवाना है। नेक वाले रीजन पे भी हम ट्रिमर का यूज़ करेंगे क्योंकि रेजर थोड़ा रिस्की रहता है और उससे कट लगने का डर बना रहता है। आप जिसकी भी हेल्प ले रहे हो आपको बस उनको पहले ये बताना है कि ट्रिमर को पकड़ना कैसे है, क्योंकि जब अटैचमेंट नहीं होती तब ट्रिमर को यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए थोड़ा पहले गाइड कर देंगे तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। अब आप देखोगे कि हमें सिर्फ एक लाइन बनानी है, एक सीधी लाइन। तो आप किसी को भी अपने घर में बोल सकते हो कि बस एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, जो एक्स्ट्रा बाल आपकी नेक के आजू बाजू में आपको दिख रहे हैं सिर्फ आपको वो ट्रिम करने हैं, जिससे जो हमारे पीछे के बाल हैं वो आपस में एकदम परफेक्टली मर्ज हो जाएं। गाइज ये है मेरे पीछे वाले बालों का फाइनल लुक एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट, क्योंकि पहली बार हमने कट किया है और हमने इतने अच्छे से अपने बालों को ट्रिम किया है। और फाइनली आप अपने बालों को कॉम करोगे और देखोगे कि जो कट हुआ है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है,
और जो आपके कानों के पीछे के जो बाल हैं और जो साइड में थोड़े बहुत बाल आपके निकलते हैं, उससे आप सारी अटैचमेंट्स को हटा के खाली ट्रिमर से अपने कानों के पीछे वाले बालों को ट्रिम करोगे, और जो भी बाल आपको लगते हैं कि एक्स्ट्रा हैं आप उनको क्लीन करोगे। कानों के पीछे वाले बालों को आप ट्रिम करो तो हाथ को बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, और सर्कुलर डायरेक्शन में आपको अपने ट्रिमर को पीछे से आगे की तरफ लेके जाना है, जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ। अभी हमने एक अच्छा सा हेयर कट किया घर पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि साइड से कैसा लगता है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बस ब्लो ड्राई किया है, और ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।